हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ICICI बैंक के अकाउंट के लिए UPI ID कैसे जनरेट करते हैं, यानी UPI ID कैसे बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ICICI बैंक के बैलेंस चेक करने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड का लिमिट, डेबिट कार्ड का लिमिट इत्यादि चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा और हम किस प्रकार से व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा दें। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ICICI बैंक के iMobile एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, या अगर इंस्टॉल किया है तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और इसमें लॉगिन कैसे करना है, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और इसमें कैसे लॉगिन करना है आप सीख सकते हैं। सो चलिए, मेरा आई मोबाइल ऐप अब ओपन हो चुका है, हमें सिंपली इसमें लॉगिन कर लेना है। तो अब चलिए मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूं, और लॉगिन करने के बाद ये हमारे पिन को सिंपली कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद एप्लीकेशन ओपन होगा। तो मेरे सामने एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से, अब मैं आपको बता दूं कि आप यहां से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, और आप यहां से अपने अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं। यहां से आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, और यहां से आप रिचार्ज कर सकते हैं, यहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहां से UPI रेफरल के द्वारा आप अपना UPI ID बना सकते हैं और इससे UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं। सो चलिए, अब मैं आपको बता दूँ कि व्हाट्सएप बैंकिंग कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहा है, आपको इस 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ से अप्लाई नाउ लिखा है, यहाँ पर आप पासबुक की डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने ब्रांच में। तो इतनी जानकारियाँ आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो आप सिंपली अब यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप यहां से बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं यहां से देख सकते हैं। आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहां से इसके बहुत सारे फीचर्स देख सकते हैं। आपको यहां से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फिर से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो iPol कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इतना एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। सो चलिए, अब आप देख लीजिए, आपको यहां पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ से आपसे ये कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, ये पूछ रहे हैं कि यू कैन आस्किंग थिंग लाइक, मतलब आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। नीचे आपके 2 प्रश्न दिए हुए हैं, हाउ कैन आई एक्टिवेट द गिफ्ट कार्ड, यहाँ से आप इसको आपको इसमें सलाह दिया जाएगा कि आप कैसे गिफ्ट कार्ड के लिए गिफ्ट कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो पहले वाला ऑप्शन है, इसके थ्रू आपको इसमें बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक मैसेज आ चुका है। अब आपको देखिए, मैं ये मैसेज पढ़कर आपको बता देता हूँ, इसे हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो चलिए, आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ। ICICI बैंक इज नाउ ऑन व्हाट्सएप, अब ICICI बैंक आपके लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा स्टार्ट कर चुकी है। यू कैन नो चेक योर बैलेंस, यहाँ से आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू, और यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट भी देख सकते हैं, यहाँ से लोन की जानकारी ले सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाएगी। और यू कैन एडिट दिस नंबर, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे ये जो नंबर शो हो रहा है 8640086400, तो आपको ये नंबर सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले सेव कर लेना है, और सेव करके आप उस पर उस नंबर के नाम लिखेंगे ICICI बैंक। तो आपको ये नंबर सिंपली सबसे पहले ये नंबर आप नोट कर लीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए, और नंबर सेव करने के बाद या फिर आप यहां से भी इस नंबर को सेव करेंगे, तो यहां से इस नंबर को सेव करने के लिए आपको यहां से सिंपली व्हाट्सएप बैंकिंग डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके व्हाट्सएप में ये प्रोफाइल खुलेगा, और यहाँ से आपके सामने ICICI बैंक की लोगो शो होगी,
और यहाँ से आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ से प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपके लिए वेलकम बोल रहा है। यहाँ से आपकी आपका जो ICICI बैंक का लोकेशन है यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ से कस्टम केयर है। आप अपने ब्रांच में इसमें इससे मेल कर सकते हैं और यहाँ से आप इंटरनेट से अपने ब्रांच से अपने ब्रांच की फीचर्स देख सकते हैं। अब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं और डायरेक्ट इससे बात कर सकते हैं। सो अब आपको यहाँ से ऊपर जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो रो का निशान है आप इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से जो इसमें कीबोर्ड है आपको इसमें टाइप करना है हाई, और आप हाई लिखकर यहाँ पे जो ये सेंड का बटन आ रहा है आपको यहाँ से इस सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इसमें आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको यहाँ से हेल्प के लिए पूछा जाएगा कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ये बैंक द्वारा मैसेज आया है कि हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, आज हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको बहुत सारी फीचर्स मिल सकती है, यहाँ से आप अपने बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं और हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्टेंट लोन देख सकते हैं, यहाँ से इंस्टा सेव अकाउंट भी खोल सकते हैं और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से अदर सर्विस के लिए ATM डिलीवरी के लिए भी आप ये नंबर, जैसे कि आप जिस नंबर को भी इसमें अप्लाई करके सेंड करेंगे उस नंबर के बारे में आपको दिखाया, जैसे कि आपको बैलेंस की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से एक लिखकर डायल करेंगे, इसमें सेंड करेंगे तब भी आपके बैलेंस की जानकारी दे दी जाएगी। या फिर आपको अगर इसमें कुछ बैलेंस देखना है तो आप सिंपली यहाँ से, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या लिखना है। तो आप सिंपली यहाँ से टाइपर में आएंगे और यहाँ से लिखेंगे आप BALANCE बैलेंस। जैसे ही आप बैलेंस लिखकर यहाँ से सेंड करेंगे आपके सामने आपका बैलेंस शो हो जाएगा, आपको तुरंत मैसेज मिलेगा कि मतलब आपके अकाउंट में कितने बैलेंस हैं। देखिए मैसेज आ चुका है। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पे आपका जो मेरा मनी है यहाँ पे मेरे अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा है। इस तरह आप अपने अकाउंट का बैलेंस शो मतलब आप अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। और इससे अगर आप बैलेंस से भी शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर से कीबोर्ड टाइप में आएंगे और यहाँ से आप लिखेंगे BAL लिखकर इसमें सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे आपके सामने फिर से मैसेज आएगा और आपके सामने आपके अकाउंट के जितने भी पैसे हैं यहाँ पे शो होंगे, देखिए। और अगर आपको जितनी भी जानकारियाँ चाहिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप मतलब ये 24 घंटे यह सर्विस चालू रहती है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। और वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगर इंटरनेट व्हाट्सएप बैंकिंग चालू करते हैं तो हमें इसके फीचर्स अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये फीचर कैसा लगा और ये अपडेट कैसा लगा। बाय बाय।